यूपी के कासगंज जिले में तिरंगा यात्रा के दौरान दो पक्षों में विवाद के बाद झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर पथराव और आगजनी की गई। हालात बेकाबू होते देख जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए, जिसमें चंदन गुप्ता नामक व्यक्ति की मौत हो गई। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने बताया कि हालात को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के इलाके की पुलिस फोर्स भी मौके पर बुला ली गई है। आरएफ को भी मौके पर भेजा जा रहा है। बवाल के बाद कासगंज शहर में पुलिस की ओर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस पूरे शहर में इसकी घोषणा माइक से कर रही है। गणतंत्र दिवस के दिन शहर के बड्डू नगर मोहल्ले में तिरंगा यात्रा को लेकर दो वर्गों के युवक भिड़ गए। युवकों के बीच तहासुनी मारपीट के बाद पथराव फायरिंग शुरू हो गई। पथराव में एक युवक की मौत के साथ साथ कई लोग घायल हो गए और आधा दर्जन वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। ये घटना शुरू हुई शुक्रवार की सुबह 10 बजे के करीब, जहां एक वर्ग के युवा 3 दर्जन बाइकों पर तिरंगा यात्रा और जुलूस निकाल रहे थे। तिरंगा यात्रा का काफिला जब शहर के बड्डू नगर मोहल्ले में पहुंचा, तो वहां मौजूद दूसरे वर्ग के युवकों ने किसी बात को लेकर उनका विरोध किया। इसके बाद दोनों वर्गों के युवकों के बीच मारपीट शुरू हो गई और जमकर पथराव हुआ। इस घटना के बाद शहर में हालात बेकाबू हो गए। आलम यह हुआ कि दोनों वर्गों ने एक दूसरे के इलाके में जा जाकर दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की। युवक की मौत की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ नेता राजवीर सिंह भी कासगंज पहुंच गए, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और कहा कि इसमें मारे गए युवक के पक्ष की कोई गलती नहीं थी। हालांकि इस बवाल के बाद पुलिस ने शुक्रवार को कासगंज शहर में कर्फ्यू लगा दिया, जिससे कुछ हद तक स्थिति पर काबू पाया जा सका। लेकिन स्थिति तब बिगड़ी जब इस घटना में मारे गए युवक चंदन गुप्ता का दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बाद ही मानो आग पूरे शहर में सुलग उठी और एक बार फिर दोनों वर्गों के लोग एक दूसरे के सामने आ डटे और इस दौरान भी जमकर फायरिंग और मारपीट हुई, जिसमें दो और लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल पुलिस और वहां तैनात फोर्स स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही है। बहरहाल हालात काबू में है और अभी तक कोई अप्रिय समाचार सुनने को नहीं मिला है। मैं तुरंत फोर्स को लेके और मैं खुद आपके बीच में आया हूँ और जो ये घटना घटी है, इसको किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात भाई, पहले सुन लीजिए यार, सुन लीजिए। मैं जितना आक्रोश कासगंज में आज है, मैंने कभी देखा भी नहीं है। इस घटना में हमारे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। ये झगड़ा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसमें से एक हमारा आदमी स्वर्गवासी हो गया। मैंने मालूम कर लिया है, एक केवल एक और बरकी वाले हमारी है। एक सेकंड, एक सेकंड, चंदन लड़का हमारा, चंदन गुप्ता वो स्वर्गवासी हो गया है। इस घटना की जांच हम यहाँ के किसी भी अधिकारी से नहीं कराएंगे।